दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं रेलवे में बम्पर भर्ती। जो रेलवे में कुछ भर्ती निकली है हम आपको उसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जल्दी से कर लें ताकि हमारी सब वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों चलते हैं भर्ती के बारे में, पूरी प्रक्रिया बता दें किस प्रकार से भर्ती है और किस प्रकार से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। दोस्तों इसमें लिखा है रेलवे में रेलवे भर्ती 2020 बिना परीक्षा 432 अभ्यर्थी 10वीं पास के मार्क्स से होगा। तो दोस्तों इसमें जो आपकी भर्ती है 432 पद हैं और आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो 10वीं के जो मार्क्स हैं उससे आपका चयन होगा, इसमें आपकी परीक्षा नहीं होगी। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इसमें लिखा है रेलवे रिक्वायरमेंट 2020 साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR बिलासपुर ने ट्रेड ऑपरेटर्स की बम्पर वैकेंसी निकाली है। कुल 432 वैकेंसी हैं, में से 116 अनुरक्षित और 44 इंडिविजुअल्स और 120 OBC और 69 SC 35 एक्स्ट्रा कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। दोस्तों ये नियुक्तियां विभिन्न ट्रेड के लिए की जाएंगी। इच्छुक योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कराना होगा। अप्रेंटाइज की भर्ती में कोई परीक्षा नहीं होगी। यह भर्ती 10वीं कक्षा और ITI कोर्स के मार्क्स के आधार पर होगी। तो दोस्तों ये जो भर्ती आपकी अप्रेंटाइज वाली जो भर्ती है ये आपके 10वीं में जो मार्क्स होंगे वो और ITI जो आपने करी होगी उसके मार्क्स के अनुसार आपके मेरिट के अनुसार आपको भर्ती किया जाएगा। अब बात करते हैं इन मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगी, इनके उस पर मेरिट आपकी बनेगी। इसी मेरिट के आधार पर उम्मीदवार का चयन होगा। इच्छुक उम्मीदवार इतनी वेबसाइट पर जाकर 30 अगस्त तक, दोस्तों डेट दी है 30 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो आप एप्रेंटिसशिपनोडिया, ये आपकी एक साइट है, इस साइट पर आप जा कर के इसको 30 अगस्त तक इस फार्म को आप भर सकते हो। अब बात करते हैं रिक्त पदों योग्य और आवेदन में संबंधित जानकारी। तो दोस्तों योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास हो और पद से संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त हो। दोस्तों जो इस ट्रेड में है उसके अनुसार आप पर ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और 10वीं पास होने चाहिए तो आप इस फार्म को भर सकते हो। तो जिन्होंने ITI कर लिया है वो उनके लिए सुनहरा मौका है, ITI वाले अपना इस फार्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं आयु की। तो आपकी जो आयु है वो 15 और अधिकतम 24 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि आप 15 साल के हो गए हो और 24 साल से कम हो तो आप इस फार्म को जल्दी से भर दीजिए। आयु की जो गणना है 1/7/2020 से की जाएगी। अधिक आयु सीमा में OBC के वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट, SC के लिए, SC ST के वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट और जो विकलांग हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट। तो इसमें कैटेगरी वाइज आपके लिए छूट भी है। तो 24 साल के तो मिनिमम है, उसके बाद जो छूट वाले हैं वो 24 साल प्लस हो जाएंगे, यानी कि OBC वाले हैं तो 24 और 3 साल छूट है तो 27 साल, और जो SC वाले हैं 5 साल की छूट है तो 29 साल, और जो विकलांग है अगर उन्हें 10 साल की छूट है तो वो 34 साल तक इस फार्म को भर सकते हैं। तो ये आपकी ट्रेड हैं, तो ट्रेड हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो ये कोपा स्टेनोग्राफर फिटर इलेक्ट्रिकल वाशरमैन इलेक्ट्रॉनिक RAC वेल्डर प्लम्बर मेसन पेंटर कारपेंटर मशीनिस्ट ट्रेनर सीट मेटल वर्कर,
ये हैं आपकी सभी ट्रेड। अगर इसमें आपकी ITI आपने करी है तो आप इस फॉर्म को जल्दी से भर सकते हो। और उसके बाद बात करते हैं कि आप इसमें दिया है जात, ये मतलब आपकी कैटेगरी, ये कैटेगरी बटनी है, इस कैटेगरी में आपको बांटा गया है। तो दोस्तों आप इस कैटेगरी के अनुसार अपने आप को इसमें देख सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कैटेगरी अनुसार इसमें वैकेंसियां देख सकते हो। अब बात करते हैं स्टेट निम्नानुसार दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया, योग्य उम्मीदवार को चयन शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर बनी मेरिट से सूची आधार पर किया जाएगा। तो आपको जो चयनित किया जाए आपकी मेरिट के अनुसार आपको चयनित कर लिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं अभ्यर्थी आवेदन करते समय दसवीं और ITI के अंकों पोर्टल पर योग्य सेक्शन के निश्चित रूप में भरें, वरना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आप ITI जो आपने किया उसके जो अंक पत्रिका उसे भी लगाएं और दसवीं का भी लगाएं, तब इस फार्म का भर सकते हो। तो ITI लगाना ज़रूरी है इसमें। अब बात करते हैं चयन अभ्यर्थी ट्रेनी के रूप में एग्जेज किए जाएंगे तथा उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए ट्रेनी ऑपरेटाइसिस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने के नियमानुसार स्टाइटिप दिया जाएगा। ऑपरेटाइसिस ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण ख़त्म हो जाएगा। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद किसी भी ट्रेन को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियुक्त बाध्य नहीं होगा। ट्रेन और नहीं ट्रेनी नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भर्ती के साथ। तो बने रहे हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।